गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी का रायता। बूंदी का रायता बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल का बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम लिंक है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं बूंदी का रायता। बूंदी का रायता बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा किलो के करीब दही ली है। ये दही काफ़ी गाढ़ा है और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया लिया है। एक बाउल के करीब रायते वाली बूंदी है। एक प्याज है बारीक चॉप, एक टमाटर बारीक चॉप, तीन से चार हरी मिर्च है बारीक चॉप और छह लहसुन की कलियाँ और एक इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने कद्दूकस किया है। दो चुटकी हींग है, एक चम्मच के करीब सूखा धनिया पाउडर है, एक चम्मच के करीब चाट मसाला, एक चम्मच नमक, एक चम्मच भुना हुआ जीरा, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। और ये दोनों ही चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहो तो लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। सबसे पहले दही को हैंड मैशर या फिर किसी भी हाथ वाली रई से मैश करेंगे। और आप देख सकते हो कि हम दही को कितने अच्छे से मैश कर रहे हैं। इसे बहुत ही अच्छे से फेंटिएगा जिससे इसके अंदर दही की कोई भी गांठ ना रहे। और दही को हम इस तरह से फेंट करके रायते के लिए तैयार करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दही को बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है और दही बिल्कुल तैयार है रायता बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं रायता। दही को फेंटने के बाद हमने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है जिसमें हम रायता बनाएंगे। दही के अंदर रायते वाली बूंदी को भी ऐड करेंगे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने पुदीने वाली बूंदी ली है। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बूंदी को दही के अंदर ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ और एक तरीका है कि आप हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर बूंदी को डाल करके दो मिनट के लिए रख दीजिए। दो मिनट के बाद आप बूंदी को उसमें से निचोड़ते हुए एक्स्ट्रा पानी निकालते हुए दही के अंदर ऐड कीजिए। तो इस तरह से आप दोनों ही तरीकों से रायता बना सकते हो, जो भी आपको पसंद आए। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने दही और बूंदी दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए किसी प्लेट से ढककर के रेस्ट पे रख देंगे जिससे सारी बूंदी अच्छे से फूल जाएगी। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और बूंदी काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसके अंदर बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च को ऐड करेंगे। कद्दूकस किए हुए अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब बारीक चॉप किए हुए टमाटर को भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब बारीक चॉप की हुई प्याज को भी इसके अंदर ऐड करेंगे। बारीक चॉप किए हुए हरे धनिया और पुदीने को भी इसके अंदर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर को भी इसके अंदर ऐड करेंगे। सूखा धनिया पाउडर भी डाल देंगे। चाट मसाला डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे, नमक डालेंगे और आप नमक और मिर्च को अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। हींग पाउडर भी डाल रहे हैं, ये भी ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं छोटी चम्मच से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बड़ी चम्मच से बाउल के अंदर अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटी चम्मच ली है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। दही वाले बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी लिया है और दही को पानी के साथ मिक्स करके रायते के अंदर डालेंगे और चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर बूंदी का रायता बनकर के तैयार है और आप देख सकते हो कि कितना परफेक्ट रायता बनकर के तैयार हुआ है। मैंने रायते को थोड़ा गाढ़ा रखा है, आप अगर चाहो तो रायते को पतला या गाढ़ा अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो।
साथ ही साथ बारीक चौपके हुए हरे धनिए से, बारीक चौपके हुए टमाटर और प्याज से इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। ये सभी चीजें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। और गार्निशिंग के बाद रायता और भी ज़्यादा यम्मी दिख रहा है। साथ ही साथ भुने हुए जीरे से भी मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि रायता कितना लाजवाब दिख रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो, सभी चीज़ों के साथ ये काफ़ी टेस्टी लगता है। आप देख सकते हो कि रायता कितना यम्मी दिख रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। और मैंने ये सारी चीज़ें डाल करके इसे और भी ज़्यादा हेल्दी कर दिया है, जो कि शरीर के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। तो आप इस तरह से अगर हेल्दी बूंदी का रायता बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। और अगर आपको प्लेन बूंदी का रायता बनाना है तो आप दही को फेंटने के बाद उसके अंदर बूंदी ऐड कीजिएगा और सिर्फ मसाले ऐड कीजिएगा। अगर आप उसके अंदर पानी डालना चाहते हो तो पानी डाल लीजिएगा। टमाटर, प्याज, हरा धनिया या फिर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ना डाल करके आप ड्राई मसाले डालिएगा और आपका प्लेन बूंदी का रायता भी बन करके तैयार है। और मैं चम्मच से दिखा रही हूँ कि हमारा बूंदी का रायता कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पर हमारा बूंदी का रायता बनकर के तैयार है और किस तरह से इस रायते को और भी ज्यादा टेस्टी बनाया जा सकता है, मैंने आपको दिखाया है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका बूंदी का रायता कैसा बना, घर परिवार में सभी को कैसा लगा। अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।